दोस्तों नमस्कार, ये है हिमाचल अभी अभी और मैं हूँ आपके साथ राधा ठाकुर। देश और प्रदेश में 1 फरवरी 2021 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन 6 बड़े बदलाव का सीधा सरोकार आम जनता से है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश में बजट पेश करने वाली है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम, एटीएम से पैसे निकालने का नियम भी बदलने वाला है। इसके साथ साथ हिमाचल में कल से 5वीं और 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने वाले हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन बदलावों के बारे में जानते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद अहम है। आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी 2021 को पेश करेंगी। कोरोना की मार झेल रहे देशवासियों को बजट में राहत की उम्मीद है। कोरोना काल की वजह से ये बजट और बजट की तुलना में ज्यादा अहम भी रहने वाला है। माना जा रहा है कि बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में कटौती हो सकती है और कारोबारियों के लिए भी राहतों का ऐलान हो सकता है। इस साल पहली बार ये बजट पेपरलेस होगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप के जरिए सांसद और आम जनता बजट से जुड़े दस्तावेज पा सकेंगे। माना जा रहा है कि बजट में कुछ सामानों पर कर घटाया जा सकता है। सरकार कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर कंपनियां हर महीने रेट्स जारी करती हैं। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम का 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स। कोरोना के प्रकोप के बीच बीते साल सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से अभी तक सिनेमाघरों में 100% की क्षमता के साथ दर्शकों को बैठाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स को 100% दर्शकों के साथ बैठने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। ये जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि सरकार ने सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स के प्रबंधकों को 100% क्षमता के साथ दर्शकों को फिल्म दिखाने की अनुमति दे दी है। वहीं हिमाचल में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल में 1 फरवरी से 5वीं, 8वीं से 12वीं तक के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। स्कूल कॉलेजों को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय ने एसओपी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूलों के खोलने के निर्णय के बीच टीचरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर परेशान कर देने वाली है। ये सभी संक्रमित टीचर सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के हैं। 41 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है कि जिन स्कूलों में टीचर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वहां पर अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इस संबंध में संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य को निर्णय लेना है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। पीएनबी खाता धारकों की नॉन ईवीएम एटीएम से नहीं होगी ट्रांजेक्शन। पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक 1 फरवरी 2021 से नॉन ईवीएम एटीएम मशीनों से लेन देन नहीं कर पाएंगे। यानी आप नॉन ईवीएम मशीनों से पैसों की निकासी नहीं कर पाएंगे। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी। इस संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर बताया कि अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पीएनबी नॉन ईवीएम एटीएम मशीनों से 1 फरवरी 2021 से लेन देन को प्रतिबंधित करेगा। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह फैसला लिया है। ऐसे में बैंक के खाता धारकों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन पैसे के लेन देन की सुरक्षा भी बढ़ेगी। एयर इंडिया शुरू करेगी नई उड़ानें। 1 फरवरी से एयर इंडिया और इसकी लो कॉस्ट सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नई घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की घोषणा की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फरवरी से 27 मार्च 2021 के दौरान त्रिची और सिंगापुर के बीच प्रतिदिन उड़ान शुरू करने जा रही है। रूट में और भी कनेक्शन होंगे, जैसे कुवैत से विजयवाड़ा, हैदराबाद, मंगलोर, कोझिकोड, कुन्नूर और कोची। बता दें कि जनवरी में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कई उड़ानें शुरू की थी।
फिलहाल के लिए अहम जानकारी में इतना ही। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हिमाचल अभी अभी ऐप। नमस्कार।